वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग, स्टार्टिंग अ न्यू ब्लॉग भाई। ऑलरेडी लास्ट ब्लॉग आप लोग ने देख लिया है। वी हैव रीच्ड उदयपुर एंड भाई मज़े करने शुरू कर दिए। यहाँ पे अरण्या विलास में है हम लोग। प्रॉपर्टी बेस्ट टू बेस्ट है, सिटी पैलेस के बिल्कुल पीछे। मस्ट रिकमेंडेड प्रॉपर्टी है, बहुत मज़ा आएगा, पीसफुल है। एंड फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी के पास आपको प्रॉपर्टी का टूर देना है। रूम टूर आप ऑलरेडी देख ही चुके हो, इस बस आपको मैं देता हूँ प्रॉपर्टी का टूर। फिलहाल पहले गाड़ी के पास जाके थोड़ा काम खत्म करके एंड देन मैं आपको देता हूँ, बट चलते चलते आपके साथ बात करूँगा। सो वेदर इतना बढ़िया हो रहा है ना गाइस यहाँ पे, मतलब इतना पीसफुल है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये पीछे आप देख रहे हो मेरा, यहाँ पे ये हमारा रूम देख रहे हो आप। दोपहर के 1 बज रहे हैं और यहाँ पे इसका लुक एट दिस वेदर। ये पूरा मतलब जंगल के बीचों बीच है, ऐसा है इसका माहौल। इसके बिल्कुल पीछे की साइड है सिटी पैलेस, उस तरफ एग्जैक्ट सिटी पैलेस बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये अलग अलग रूम्स है, पूरे आपको घर दिख रहे होंगे, ये पूरे एक एक रूम है मतलब, और अलग अलग तरीके के रूम्स है बीच में, मतलब इस तरीके का इन लोगों ने पाथ बनाया हुआ है। और ये मैंने आपको वैसे भी दिखाया स्विमिंग पूल वाला। अगर हम यहाँ से जाते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पे अलग अलग, तो पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन से रास्ते से आए थे आप। ये इस तरीके के अलग अलग रूम्स हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गार्डन है, आप अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप क्रिकेट खेल सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो यहाँ पर, आप चिल कर सकते हो। ये देखो गाइस, लुक एट दिस, यहाँ झूला झूल सकते हो भाई, तो आप समझ रहे हो इतनी बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज है, रूम्स है मतलब। ये देखो ये पूरा जंगल है, पूरा पूरा। ये तो इन लोगों ने आर्टिफिशियल बनाया, आपको बताया मैंने अभी। अगर आपकी बड़ी फैमिली है, मस्ट रिकमेंडेड, कपल हो आओ मज़े करो। अगर फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो वो भी अच्छा, चिलिंग जोन है यहाँ पे, पीस है। 2-3 दिन के लिए अगर आप आओ, मस्ट रिकमेंडेड प्रॉपर्टी है भाई, एक बार ज़रूर आना। एग्जैक्ट सिटी पैलेस के पीछे अरण्या विलास, आप सर्च करोगे गूगल पे पहले ही दिख जाएगा, एंड बहुत बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। यहाँ से ऑलरेडी आपको वैसे तो मैं दिखा चुका हूँ, ये इनका स्विमिंग पूल जहाँ पे हम 1-2 घंटे से हम यहाँ पे पूरा टाइम स्पेंड कर रहे थे। कितना प्रिटी लग रहा है ना यार, लुक एट दिस। ये देखो ये इनका किचन एरिया एंड लंच डिनर ब्रेकफास्ट यहाँ ही होता है, यहीं बनता है, बूफे लगता है पूरा। ये अलग रूम्स हैं, कॉटेजेस हैं, छह आउटर सिटिंग भी है अगर आप बाहर बैठना चाहते हैं तो, और अंदर भी बैठ सकते हैं, बहुत बढ़िया सेटअप है अंदर भी बैठने का। बट अगर आप डॉग के साथ आए तो डॉग के साथ यार आपको बाहर ही बैठना पड़ेगा। पता है क्या है यहाँ पे, पेट फ्रेंडली है, आप अपने पेट्स को ला सकते हो, अलाउड है। उसके कुछ मिनिमल चार्जेस होते हैं नीट एंड क्लीन रखने के लिए, मतलब प्रॉपर्टी को अगर कहीं कोई पेट आपका गंदा करता है तो ये इनकी जिम्मेदारी है वो साफ़ करने की, तो उसका ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, विच इज़ वर्थ इट। आई मीन अगर आप अपने पेट के साथ घूम सकते हो तो उससे यार बेटर चीज़ क्या है, राइट? तो हमने भी वही बुक किया है, जिया हमारे साथ ही है, आपको पता ही है, तो उसका थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज दिया है, दैट्स ओके, दैट्स वर्थ इट, बट बहुत बढ़िया है। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ से पूरा मेन एंट्रेंस है, फिर रिमेंबर दैट्स अ मेन एंट्रेंस। यहाँ साइकिलिंग भी है, आप पूरा पूरा साइकिलिंग से एक्सप्लोर कर सकते हो। इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, ये पूरा इनका रेस्टोरेंट कैफे सब कुछ, साइकिलिंग। दिस इज़ देयर फॉरेस्ट फ्लास्क, मतलब बार है इनका खुद का, यहाँ पे बार है जिसका बहुत बढ़िया सेटिंग है, जाके देख के आएंगे थोड़ी देर में। आई गेस अभी क्लीनिंग का चल रहा है। दिस इज़ अगेन आपके छोटे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड सा। इस तरीके से म्यूजिक बजता रहता है जगह जगह पे। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस गाइस, और इसके बाहर
पार्किंग, कार पार्किंग एंड ऑल। जब एंटर करा था ना प्रॉपर्टी में तो बिल्कुल नहीं लगा था यार कि ये, पता नहीं लगा था कहाँ आ गए, बट जब अंदर एंटर किया ना तब लगा कि कहाँ आ गए, मतलब दोनों में बहुत डिफरेंस है। एंड यू नो व्हाट, कल यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई है, मतलब बहुत तेज़, यहाँ का वेदर इतना प्यारा हो गया ना, इतना प्यारा, मैं क्या ही कहूँ यार आपको, इतना प्यारा वेदर है, इतना शांत, और इतनी शांत जगह है वैसे भी ये, और मेरे को लग रहा है आज भी बारिश होगी। तो व्यू कितना प्रीटी है ना यार, मतलब मज़ा आ जाए। ये अपनी गाड़ी बाय रोड भाई आए हुए हम लोग GJ6, सब यहाँ पे पार्किंग रहती है, दिस इज द मेन एंट्रेंस, दिस इज हाउ द फर्स्ट लुक इज अरण्य विलास। और यहाँ इतनी ग्रीनरी है ना, इसलिए आपको ऑटोमेटिकली मतलब यू विल फील सो गुड ओवर हियर। सो अभी यहाँ से एंट्रेंस करके दिस इज हाउ द वे व्यू इज। हमारा प्लान है कि फ्रेशन अप हो गए हैं, पूल में चिल कर लिया है, तो थोड़ा सिटी अब एक्सप्लोर किया जाए। वैसे तो मैं खुद बहुत बार घूम चुका हूँ, ये लोग भी घूम चुके हैं, बट फिर भी यार आए हैं तो थोड़ा बहुत सिटी एक्सप्लोर करते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, कुछ टाइम पास करते हैं, चिल आउट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। यहाँ पे हर एक रूम के यहाँ पे इस तरीके से नंबरिंग दिया, मतलब आपको लगेगा खुद का प्राइवेट घर, भाई घर ही है वैसे तो, इतना बड़ा है ये देखो ना। आप सुबह सुबह उठो, चाय यहाँ पे पियो, कॉफ़ी पियो यहाँ पे, अपने डॉग को ओपन छोड़ दो, खेलो कूदो, और क्या चाहिए यार। और मोस्टली सारे ही ऐसे ही हैं, ये वाला एक हमारा है अभी, और एक ये वाला हमारा है, दिस वन, ये जकूजी वाले हैं रूम्स सारे, बाकी ये सब तो सिमिलर लेवल के हैं। ये तो पूरा जंगल पार्ट आ गया इधर का, इनका बाउंड्री वॉल्स जंगल, ये छोटे छोटे रूम्स हैं कॉटेजेस, वॉक के लिए, साइकिलिंग के लिए बेस्ट 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 जगह, बेस्ट जगह है। ये देखो ना आप, ये वही रास्ता आ जाएगा, मतलब आप यहाँ से, मैं आया हूँ यहाँ से, ये छोटा छोटा रास्ता जाके ये वो पॉन्ड की तरफ लेके जाएगा, तो ऑलरेडी हम जा चुके तो आई डोंट थिंक उस पर मतलब रहने वाला है वापस जाने का, बट दिस इज़ आउट द प्रॉपर्टीज। आई डोंट नो इस ब्लॉग को कितना कंटिन्यू करने वाला हूँ, मोस्टली अगर हम बाहर जाने वाले तो मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगा, नया ब्लॉग वापस स्टार्ट करूँगा, लेट्स सी, आई डोंट नो कितना लंबे लंबे ब्लॉग्स बनेंगे, बट मज़ा आने वाला है यार, आपको मज़ा आएगा, आपको मैं मेरे वीडियो थ्रू मैं आपको इतना बढ़िया प्रॉपर्टी घुमा रहा हूँ और अच्छा फीडबैक दे रहा हूँ, तो और ऑनेस्ट फीडबैक बता रहा हूँ, तो आपका यार आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना वीडियो पे, बहुत मज़ा आने वाला है। स्टे ट्यून विद द व्लॉग्स, फ़िलहाल चलते हैं रूम पे, काम वाम ख़त्म करते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर निकलते हैं बाहर सिटी एक्सप्लोर करने। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4, और 4 बजे का वेदर देखो यार आप, इतना प्यारा वेदर है, बारिश होने वाली है बहुत तेज, अभी प्रॉपर्टी में ही है, hey, पानी है मजा, और ये फुल फ्रीडम से घूम रही है मैडम, स्विमिंग पूल है, तो ये देखो मौसम बारिश का, ये देखो इसके अलग मजे आ रहे हैं अपने जिया के,
बेल्ट लेके खुद ही घूम रही है। जिया इधर आ, इधर आ, इधर आ। मोस्टली मैंने आपको अरण्या विलास को पूरा एक्सप्लोर करके दिखा दिया है भाई, एक एक कोना दिखाया है। तो आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। मोस्टली मैं इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा और एडिटिंग में प्रॉब्लम होगा, स्टोरेज में प्रॉब्लम होगा। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई हो, या जितना भी मैंने दिखाया आपको इस व्लॉग में और इस व्लॉग के थ्रू तो पसंद आया हो। तो जस्ट स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। अभी वी आर गोइंग आउट फॉर एक्सप्लोरिंग अदर प्लेसेस, स्ट्रीट पे जा रहे हैं, देखते क्या है। मौका मिला तो व्लॉग बनाऊंगा, नहीं तो जो भी नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। सो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।